वेलकम टू व्हील्स सिंस 2020। बिफोर वी स्टार्ट प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। दोस्तों एंड वेलकम एवरीवन टू माय चैनल व्हील्स सिंस 2020। तो दोस्तों इस वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को दोस्तों पता चल ही गया होगा कि दोस्तों आज हम लोग किस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यह आप लोगों का द ओनली होंडा ग्रूम। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने इस बाइक को देखा है, ये एक मिनी बाइक है आप लोगों की होंडा नेवी की तरह ही। दोस्तों ये आप लोगों को 125 cc की बाइक प्रोवाइड की जाएगी। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इस गाड़ी की कंप्लीट रिव्यू करेंगे, इसके लुक्स, इसके इंजन स्पेसिफिकेशन, इसके डायमेंशन, सारे डिटेल्स हम लोग बात करेंगे एंड इसके लॉन्च डेट एंड इसके एक्सपेक्टेड प्राइसेस इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों इस गाड़ी की हर एक इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरी तरह देखिए एंड दोस्तों एंड तक देखिए। तो दोस्तों गाड़ी का रिव्यू शुरू करने से पहले, अगर दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं एंड दोस्तों पहली बार के लिए आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड सारे साथ दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि दोस्तों हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक दोस्तों पहुंचती रहे एंड प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों गाड़ी की बात करें, ये गाड़ी के फ़ोटोज़ जो आप लोग देख रहे हैं, देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले किया गया है एक एक करके। ये एक मिनी बाइक है आप लोगों की होंडा नेवी की तरह। आप लोगों को राउंड शेप में जो आप लोगों का हेडलाइट मिलेगा, LED हेडलाइट्स प्रोवाइड की जाएगी गाड़ी में आप लोगों को। इसके साथ साथ दोस्तों इंडिकेटर जो रहेगा वो दोस्तों आप लोगों का हैलोजन टाइप इंडिकेटर रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों फ्रंट में आप लोगों को डिस्प्ले देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों रियर प्रोफाइल की बात करें, रियर में भी दोस्तों आप लोगों को LED टेल लाइट मिलता है। इन सारी साथ दोस्तों रियर में दोस्तों आप लोगों को हैलोजन इंडिकेटर मिलता है। ये दोस्तों इस गाड़ी के डायमेंशंस आप लोग देख रहे हैं, चारों तरफ से काफ़ी अच्छा एंड स्पोर्टी लगता है ये बाइक, लेकिन छोटी है। आप लोग इसे ट्रैवलिंग के लिए एंड यूटिलिटी के लिए कुछ कैरी करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जो लोग शॉर्ट हाइट है या फिर सीनियर सिटीजन लोगों के लिए, जो लोग बाइक चलाना चाहते हैं, इनके लिए बाइक चलाना काफ़ी ईजी होगा। ये तो होगी दोस्तों इस बाइक की ओवरऑल लुक के बारे में। अब अगर दोस्तों इसके डायमेंशंस की बात करें तो दोस्तों इस गाड़ी में जो आप लोगों को लेंथ प्रोवाइड की गई है वो दोस्तों आप लोगों का 1760 mm का लेंथ है आप लोगों का इस गाड़ी का। एंड दोस्तों इसकी जो विड्थ दी गई है वो दोस्तों आप लोगों को प्रोवाइड की गई है 754 mm की इस गाड़ी की विड्थ। एंड दोस्तों अगर इसके हाइट की बात करें तो इस गाड़ी में दोस्तों जो आप लोगों को हाइट प्रोवाइड की जाती है वो दोस्तों 988 mm की हाइट। एंड दोस्तों अगर इसकी व्हील बेस की बात करें तो दोस्तों इसकी जो व्हील बेस दी गई है वो दोस्तों 1199 mm का व्हील बेस। एंड दोस्तों जो इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है वो दोस्तों आप लोगों को दी गई है 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। दोस्तों ये गाड़ी आप लोगों को रेड, ब्लू, ऑरेंज एंड ग्रीन, ये चार कलर्स में अवेलेबल रहेंगे। एंड दोस्तों दो ट्रिम में आएगा, एक आप लोगों का होंडा का ग्रूम एंड दूसरा दोस्तों होंडा ग्रूम ABS, जिसमें आप लोगों को ABS भी प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों गाड़ी का ओवरऑल लुक आप लोग देख चुके हैं। अगर दोस्तों गाड़ी के कुछ और फीचर्स की बात करें, जैसे कि सीट्स आप लोग इसे तो लोग कम्फर्टेबली बैठ सकते हैं, काफ़ी अच्छा है एंड कम्फर्टेबल है। दोस्तों इसकी स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स की बात करें, चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं गाड़ी का जो मेन चीज़ होता है वो है दोस्तों एक गाड़ी का इंजन। दोस्तों इसमें जो इंजन आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है वो दोस्तों है आप लोगों का 125 cc का इंजन। ये एक्चुअली दोस्तों आप लोगों का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक बेसिक्स एयर कूल 125 cc का इंजन एग्जैक्टली है दोस्तों आप लोगों का 124.9 cc का इंजन, जिसका दोस्तों बोर एंड स्ट्रोक है 52.4 mm एंड इंटू 57.9 mm एंड कंप्रेसर रेशियो है 9:3:1
दोस्तों ये गाड़ी आप लोगों को पावर देती है वो है दोस्तों आप लोगों का 9.7 HP का दोस्तों एट 7000 RPM में प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ दोस्तों जो आप लोगों को ये टॉर्क प्रोवाइड करेगा वो है दोस्तों 10.9 Nm ऑफ टॉर्क एट 5500 RPM। दोस्तों इसमें आप लोगों को चार गियर प्रोवाइड किए जाते हैं। इस गाड़ी के जो वेट है दोस्तों वो आप लोगों का दोस्तों 101 kg है। एंड दोस्तों जो इसकी सीट हाइट है वो दोस्तों है आप लोगों का 700 mm का सीट हाइट। दोस्तों जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है इस गाड़ी की वो दोस्तों आप लोगों का 5.5 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी, जिसमें दोस्तों आप लोगों का 4 लीटर रहता है मेन फ्यूल एंड दोस्तों 1.5 लीटर रिजर्व फ्यूल। दोस्तों ये तो हो गई आप लोगों का इस गाड़ी के इंजन के बारे में। अब अगर दोस्तों इसमें जो ट्रांसमिशन सिस्टम यूज़ किया जाता है वो दोस्तों आप लोगों का 4-स्पीड ट्रांसमिशन सिस्टम चेन ड्राइव के साथ। एंड दोस्तों जो गाड़ी में सस्पेंशन सिस्टम यूज़ किया जाता है काफ़ी अच्छा सस्पेंशन सिस्टम है आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाता है। बम्पी रोड्स एंड ऑफ रोड के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है। लॉन्ग राइड के लिए आप लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों जो फ्रंट में सस्पेंशन सिस्टम आप लोगों को प्रोवाइड करता है वो है दोस्तों आप लोगों का 31 mm इन्वर्टेड फोर्क 3.9 inches ऑफ ट्रेवल सस्पेंशन सिस्टम। एंड दोस्तों जो रियर में सस्पेंशन सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है वो दोस्तों आप लोगों का सिंगल शॉक विद स्टील बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म सस्पेंशन सिस्टम दोस्तों प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों गाड़ी में फ्रंट में एंड रियर में दोनों में ही डिस्क ब्रेक प्रोवाइड किया जाता है। काफ़ी अच्छा है आप ये ब्रेक आप लोगों के लिए। हाइड्रोलिक 12 piston कैलिबर को यूज़ किया गया है फ्रंट में। दोस्तों फ्रंट में ब्रेक है वो दोस्तों उसका डायमीटर है डिस्क का 220 mm का डिस्क का डायमीटर है विथ हाइड्रोलिक 12 piston कैलिबर। एंड दोस्तों जो रियर ब्रेक है उसमें दोस्तों आप लोगों को 190 mm का डिस्क यूज़ किया जाता है विथ हाइड्रोलिक सिंगल पिस्टन कैलिपर। इसके साथ साथ दोस्तों जो फ्रंट टायर है अगर इसकी बात करें आप लोग दोनों टायर ट्यूबलेस मिलते हैं एंड 12 inch के अलॉयज के साथ प्रोवाइड किया जाती है। दोस्तों जो फ्रंट टायर है वो आप लोगों का 120 mm वाइड है। इसका साइज है दोस्तों 120x70x12। एंड दोस्तों जो रियर टायर है उसकी साइज़ की अगर बात करें वो दोस्तों आप लोगों का 130 mm वाइड जो है आप लोगों का 130x70x12। दोस्तों ये हो गई आप लोगों के लिए इस गाड़ी का सारे डिटेल्स, सब कुछ जो मुझे पता था मैंने आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड कर दिया है। हाँ दोस्तों इसमें आप लोगों को दो मॉडल मिलेगा, एक में दोस्तों आप लोगों को ABS के साथ प्रोवाइड की जाएगी, दूसरे में विदाउट ABS आएगा ये मॉडल। एंड दोस्तों जो ये माइलेज आप लोगों को देगी वो दोस्तों आप लोग नियरली एक्सपेक्ट कर सकते हैं 50 के आसपास होगी इस गाड़ी की माइलेज, 50 से 55 के आसपास। सो दोस्तों ये हो गया आप लोगों के लिए इस गाड़ी के कंप्लीट डिटेल्स। आप लोग दोस्तों प्लीज़ कमेंट में बताएं कि ये गाड़ी आप लोगों को कैसी लगी। दोस्तों आप लोग प्लीज़ कमेंट में इस गाड़ी के बारे में आप लोगों की राय ज़रूर बताएं। एंड सारी साथ दोस्तों आप लोग प्लीज़ कमेंट में अगर इस गाड़ी के बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं तो वो भी दोस्तों मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप लोग किसी और गाड़ी के बारे में कुछ जानकारी जानना चाहते हैं तो वो भी दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं इस गाड़ी के बारे में सारी जानकारी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अपने चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा। इन सारी साथ दोस्तों आप लोग कमेंट में ये भी बताएं कि दोस्तों आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा। एंड दोस्तों एंड में मैं आप लोगों को इस गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट, इसकी लॉन्च डेट एंड इसके प्राइसेस जो है वो बता दूंगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड सारी साथ दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि दोस्तों हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक दोस्तों पहुंचती रहे। एंड दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों इसकी जो पर सर्विसिंग कॉस्ट होगी वो नीली आप लोगों को 1000 के आसपास हो सकती है। ये हाँ दोस्तों पर सर्विसिंग कॉस्ट नीली 1000 के आसपास। एंड इसके साथ साथ दोस्तों अगर इसकी
लॉन्च डेट की बात करें तो ये गाड़ी जो है ये आप लोग दिसंबर के एंड में 2021 में इंडिया में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी दोस्तों, दिसंबर महीने के एंड में 2021 में इस गाड़ी को इंडिया में एक्सपेक्ट कर सकते हैं होने की। एंड दोस्तों, अगर इस गाड़ी की प्राइसेस के बारे में बात करें तो इसके जो प्राइसेस इंडिया में होने के हैं चांसेस, तो वो दोस्तों आप लोग नियरली एक्सपेक्ट कर सकते हैं होने की। सो 80,000 के आसपास आप लोगों को इस गाड़ी का जो प्राइसेस है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया में होने की। दोस्तों ये जो सब प्राइसेस जो मैंने आपको बताया, इस गाड़ी का एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम प्राइसेस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम प्राइसेस, एग्जैक्ट प्राइसेस दोस्तों इस गाड़ी के लॉन्च होने पे ही मैं आप लोगों को बता पाऊँगा। तो दोस्तों इतना ही था आप लोगों के लिए आज के इस वीडियो में। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आप लोग इस गाड़ी के बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप लोग किसी और गाड़ी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं इस गाड़ी का रिव्यू वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपने चैनल में दोस्तों ज़रूर डाल दूँगा। दोस्तों वीडियो को एंड करने का वक्त आ चुका है। एंड करने से पहले दोस्तों आप लोग दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सारे से दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक दोस्तों पहुंचती रहे। एंड दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।